अस्सलाम वालेकुम आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ये वीडियो अगर आपने इंतहाई गौर से देख ली तो आप इस प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं जो मैं आपके सामने अभी स्टेप बाय स्टेप रखने जा रहा हूँ इसके अंदर और ऑप्शन भी हैं उस पर अगर आप कहेंगे तो फिर उस पर बात भी हमारी तफसील से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हो सकती है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की आप कहते हैं कि आप इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं ये कंट्री छोटी है बड़ी है काम की है या काम की नहीं है तो पहली बात तो ये है कि वो तमाम कंट्रीज जो कितनी ही छोटी क्यों ना हो कितनी ही उसकी सैलरी कम क्यों ना हो ज्यादा क्यों ना हो वट जो भी सूरत हाल हो अगर वो शिंजन के अंदर आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता ही है आप, आप कहते हैं क्यों मिलता है क्योंकि ये छब्बीस सताइस ऐसे हैं जो जो बाउंड्री बौं, नहीं है जिनकी जिनके बॉर्डर्स नहीं आपस में सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं ठीक है ना आप अपनी गाड़ी में बैठें सलोवेनिया के अंदर और आप जर्मनी चले जाएं आप इटली चले जाएं आप फ्रांस चले जाएं ग्रीस चले जाएं पुर्तगाल चले जाएं तो अगर किसी की नीयत ये होती है फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी लाइफ जर्मनी में बनाऊँ या पुर्तगाल चले जाऊँ या वट जो भी दिमाग में उनके होता है तो सलेवेनिया उनके लिए भी बुरा ऑप्शन नहीं है छोटा नाम है ज़्यादा नाम लोग लेते नहीं हैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा रश नहीं आता है तो इसका बिहेवियर जो है ना वो वाला नहीं है नखरों वाला नहीं है इस तरह हम हमें पांच छह नाम रटा दिए गए हैं जर्मनी और ये वो उसी में ही जो है ना सारे पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं तो उसका फिर रिजल्ट क्या आता है वह वो तंग होकर भी रिफ्यूज कर देते हैं ना और फिर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती फिर आप लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट बिक रही है जाहिर सी बात है रशी इतना पड़ जाता है तो सलेबेनिया को आप टारगेट कर सकते हैं कंट्री यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है कंट्री शेंजन का हिस्सा है कंट्री जो है वो अपना जो पासपोर्ट रखती है वो सेवन नंबर पे है वर्ल्ड नंबर सेवन जिस तरह पाकिस्तान का है ना एक सौ इस तरह उनका है वर्ल्ड नंबर सेवन और तकरीबन तकरीबन दो सौ मुल्कों में वो लोग जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यानी कि अगर आप एक ही कंट्री पे वर्क करें ना इसी को पकड़ लें खाली लेफ्ट राइट ना करें अपने आप को तो आप इसका पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं आफ्टर फाइव ईयर्स और मजे की बात यह है कि ये जो आपको वर्क परमिट देगा वो हो गई पांच साल का तो मतलब क्या हुआ कि जब आप चले गए तो यू आर सिक्योर फॉर फाइव ईयर्स पांच साल तो आप जॉब करेंगे पांच साल में ना आपको रिन्यू करना है ना आपको इन आउट करना है ना कुछ और करना है पांच साल जम के काम कीजिए और उसके बाद चार साल साढ़े चार साल के बाद आप अपना पीआर प्रोसेस डाल सकते हैं और ये आपको एक पांच साल के बाद जो है ये पीआर देते भी हैं इसको ग्रीन कार्ड कहते हैं देते भी हैं आपको ठीक हो गया सैलरी की रेंज है जी बारह से लेकर सोलह सो यूरो तक विच इज नॉट बैड एट ऑल मैं साफ कह रहा हूं आपको ये सैलरी अगर आपको ऑफर होती है कम से कम पकड़ लें बारह सो ऑफर होती है तो दैट इज फाइन आप कहते हैं टैक्स कट जाएगा वो भी कट जाए फिर भी बहुत है सिंपल सी बात है क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने आंखों से कि हमारे जो पुर्तगाल साइड पर जो लड़के काम कर रहे हैं इस टाइम और वो खुश हैं सात सौ अस्सी यूरोपे काम कर रहे हैं ये बात दिमाग में रखिएगा तो उसको मैं बुनियाद बना के कह रहा हूं कि 1200 सो सोलह सो नॉट बैड एट ऑल अच्छा इसके बाद आप कहते हैं कि इसका इसका इसकी तैयारी क्या है तैयारी है जी स्किल्ड वर्कर ठीक है यानी कि आपको स्किल आना चाहिए वैसे यार अगर आपको पाकिस्तान के अंदर भी रहना है ना तो स्किल आना चाहिए स्किल के बगैर कोई इंसान अपना गुजारा नहीं कर सकता स्किल हर चीज का स्किल है ना यानी कि आप कहते हैं कि जी वेल्डर है कारपेंटर है ये है वो वो भी स्किल है आप कहते हैं जी कंप्यूटर के अंदर मैं आईटी के अंदर मैं कुछ कर लूँ ये भी स्किल है वीडियो एडिटिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग है या वेब डेवलपिंग है जो कुछ भी है भी स्किल है स्किल होना चाहिए ठीक है ना ये जो कमेंट आता है ना मेरे पास कि मेरे पास स्किल भी कोई नहीं है तालीम भी कोई नहीं है पैसे भी कोई नहीं है ठीक है ना अब बताएं मैं क्या कैनेडा जा सकता हूँ या मैं क्या वो कर सकता हूँ तो उसको खुद ही जवाब मिल जाना चाहिए कि वो अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता ही नहीं है ठीक है ना क्योंकि मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जिसके पास स्मार्टफोन है और अगर वो गरीब है तो ये गरीब बाई चॉइस है वो चाहता है गरीब रहना और वो आदमी फिर लतीफे फिल्में टिकटॉक ठीक है ना वो करता रहे फिर वो खुश रहे हमें क्या तंग कर रहा है इसके बाद आप कहते हैं कितने ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वीज़ा में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा लेकिन दरमियान में ये खबर ले लीजिए वो ये है कि एक को हम कहते हैं यानी कि अगर आप नंबर वाइज करो तो सिंगल वर्क परमिट सिंगल वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करोगे करेक्ट कैटेगरी है ना सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है सिंगल वर्क परमिट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो दैट इज फॉर फाइव इयर्स ठीक है आपको पाँच साल का स्ट्रेट वीजा मिल जाएगा उसके बाद आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या मुझे जॉब हासिल करनी पड़ेगी यस हासिल करनी पड़ेगी आप कहेंगे हासिल कैसे करेंगे उसके लिए आपको जो मैं पोर्टल्स नीचे दे रहा हूं या मेरे कमेंट से ले लो या नीचे से ले लो आ, आ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो वहां पर आपको एक प्रॉपर सीरी के साथ प्रॉपर कवर लेटर के साथ आपको प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा और मैंने देखा ये है अभी तक जो पिछले काम हुए हैं सलोवेनिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बड़े कॉपरेटिव हैं वो इस तरह भी कॉपरेटिव हैं कि वो रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं वो इस तरह भी कॉपरेटिव हैं कि वो आपको वीज़ा में सपोर्ट करते हैं और वो इस तरह भी कॉपरेटिव हैं कि वो अपनी एम्बैसी अगर आपके मुल्क में हो तो अम्बैसी कह लीजिए अगर अम्बैसी ना हो तो शिंजन की कोई को अम्बेसी होती है जो जिससे वो काम करवाते हैं ठीक है ना वो होती है अदरवाइज वो खुद भी बहुत सपोर्ट करते हैं मैंने देखा है ये जो बिहेवियर मैंने नोट किया है क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन जो होता है ना जब जो हमसे अप्लाई करता है तो होता ये है कि अप्लाई वो करता है रिसीव वो करता है रिप्लाई हम करते हैं तो मैंने ये बिहेवियर जो है ना हमें पता होता है कि जर्मन का बिहेवियर क्या है कनाडा का बिहेवियर क्या है तो सेलेवेनी का बिहेवियर 100 परसेंट ओके okay है जबरदस्त इनके जो लोग हैं काम करते हैं इसके बाद कहते हैं दूसरी कैटेगरी क्या है दूसरी कैटेगरी है वर्क परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने कि काम करना है अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड तो उसकी जो कैटेगरी है जाहिर है उसमें जॉब आपको ऑफर नहीं चाहिए उसमें आप बताएंगे कि मैंने वहां जाके करना क्या है ठीक है ना तो वो जो अपना काम करेगा वो कैटेगरी है उसमें जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है तीसरी कैटेगरी आती है ये लोग जो ऑफर करते हैं सलेवनी वाले उसे कहते हैं सीजनल वर्क वीजा जो कि नब्बे दिन कहते हैं ना तो तीन महीने से लेकर छह महीने तक का वीजा मिलता है इट्स डिपेंड ऑन वर्क कि जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है वो नौ नब्बे दिन का है या एक दिन का है तो जितने का दिन भी होगा आपके नसीब में आपको मिल जाएगा आप नब्बे दिन से लेकर छह महीने का प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्री हैं आपके पास पाकिस्तान में कोई वी जॉब नहीं है तो आप नंबर वन आप जा सकते हैं सलवेनिया अगर आप कहते हैं कि जी मैं वहां जाकर इस तीन महीने को कैश करूंगा कि मैं जब मेरी छुट्टी हो तो मैं कहीं और जाकर कोशिश करूं जॉब के लिए कोई और लाइन लगाऊं आप कर सकते हैं वरना आखिरी हल ये भी हो सकता है कि आप अगर समझते हैं कि आपको कोई बात नहीं बन रही है तो आप पुर्तगाल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं यह भी इसका हल है सिंपल सी बात यह चौथे नंबर पर है जॉब सिकर वीजा टाइप डी ठीक है इसको कहते हैं टाइप 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 डी कहते हैं इसको यानी कि आपसे गलती होनी नहीं नहीं चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं गलती कर गलती गलत अप्लाई करोगे तो मसले में जाओगे जॉब सिकर वीजा टाइप डी पर अप्लाई कर सकते हैं ये आपको मिलता है तीन महीने के लिए जाहिर है इसमें भी आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए यह आप जॉब ढूंढ नहीं जा रहे हैं तो चले मिली कहे आप आ जाए तो मैं इसको यूं मानता हूं कि जॉब सिगर किसने दिया सलोवेनिया ने दिया आप इसको शिंजन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आपस की बात है क्योंकि मैंने वहां देखा है कि जॉब वीजा विजय जाते हैं सलोवनिया में तो वह बाउंड नहीं होते कि यू कै नॉट ट्रेवल टू हेर एंड देयर पीपल गो हेर एंड देयर नॉर्मली अगर कहीं से नहीं बन रहा होता तो मैंने वही कहा कि पुर्तगाल तो में पेपर फाइल खत्म कहा और पांचवा है यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आप इसको भी कर सकते हैं और ये भी आपको फायदा देगा अब आप कहते हैं कि जी तरीकाकार क्या है हाउ टू अप्लाई वट इज़ द प्रोसेस प्रोसेस बड़ा आसान है ये तो पाँच हैं बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने तो सिर्फ आपको वर्क परमिट के बताया ना तो उसमें यह है कि जो आपको समझ में आ रहे हैं वो तो यह सही है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और अगर आप मुझे कहेंगे इन पाँचों में से कि फलां की एक्सक्लूसिव वीडियो बना दें तो फिर मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको छः आठ मिनट के अंदर आपको अलग ब्रीफ कर दूंगा कि उसका स्टेप्स क्या है फिलहाल आप वर्क परमिट सुन लीजिए वो ये है कि आपने क्या किया आपने ये बात समझे सलिवेनिया के अंदर आपने अगर जॉब पकड़नी है तो आपको वर्क वीजा चाहिए उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अप्लाई एज अ फॉरन वर्कर करना है मेरी दी वी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर यूरोपियन स्टाइल सी विद कंप्लीट एस ठीक है ना ये क्या चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कहते हैं आप जो वो बता रहे हैं ना कि वी नीड दिस काइंड ऑफ पीपल ठीक है ना हमें उस आदमी से ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए चाहिए ये तो आप वो वो जो की पॉइंट्स हैं वो आप ईमानदारी के साथ अपने कवर लेटर में अपने सीवी में उसको जगह दीजिए ताकि वो सर्च में उठे ये है एसई सिंपल सी बात है हम भी यही करते हैं वरना हमें कोई ये थोड़ी कि कोई वो हमारी सीवी के अंदर कोई कोई सोने से हम लिखते हैं नो no. वो इसलिए उठाते हैं कि उसमें एसईओ हुआ होता है सिंपल सी बात तो आप भी कीजिए तो क्या होगा कि जब लफ्जों से लफ्ज मैच करेंगे तो एसई ओ लग गई उनके टेबल पे आप आ जाओगे जब बार बार टेबल पे आओगे तो एक बार आवाज आ जाती है और सलेवेनिया जो है मैंने कहा कॉपरेटिव है जब वो आ जाए तो उसके बाद आप एम्प्लॉयर को बताओगे इस बैकअप के साथ कि आप जिस कंट्री में हो मतलब आप पाकिस्तान में हो इंडिया में हो नेपाल में हो भूटान में हो फिलिपीन में हो कतर उमान दुबई बहरीन कहां पर हो जहां पर भी हो आप देखिए सलेवेनिया की डायरेक्ट एम्बेसी है है तो ठीक नहीं है तो सपोर्टिंग एंबेसी सपोर्टिंग एंबेसी है ठीक है नहीं तो एम्प्लॉयर आपका काम हो जाता है इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं फायदा हुआ होगा लियोडी मिलते हैं इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा अल्लाह हाफिज